कृषि का मूल आधार हम कहें अगर तो बीज है। वेदों में भी और उस मनुस्मृति में भी जिक्र है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संप्रदेते, अर्थात अच्छा बीज जब किसी अच्छे क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ संपदा और धन धान्य की अच्छी पैदावार होगी। तो ये जिस प्रांगण में हमने किसानों के लिए ये एक सेल काउंटर है जहाँ से किसान बीज को खरीदते हैं, इसको उसी अनुरूप हमने बनाया भी है कि किसान आए तो एक मोटिवेट भी होते हैं, अधिक उपज लेने के गुरुमंत्र क्या हो सकते हैं, जगह जगह हमने लिखा हुआ है स्वस्थ बीज स्वस्थ फसल का एक परिकल्पना लेके चले किसान, और उन्नत बीज कृषि का मूल आधार है, ये सब हमने इसमें डाला है। हम अपने खेतों में जब बीज उत्पादन करते हैं तो मूल बीज से करते हैं, जिसको प्रजनक बीज कहते हैं उससे हम करते हैं, और उससे बीज जो उत्पादन होता है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है, और उसकी मॉनिटरिंग करने के उपरांत कई बार उसको लैब में टेस्ट करने के उपरांत जब उसका जर्मिनेशन से लेके सब कुछ ठीक होता है तब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग के उपरांत हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, और उसको करने के उपरांत जो चीज़ें आती हैं जब बीज बन के आता है तब उसको हम बीज के रूप में, ये हमारा सेल काउंटर है जिसमें कि इस समय हमने धान की जैसे जो फसल जब आने की होती है तो उसकी हम उसी हिसाब तैयारी करते हैं। अभी धान और मूंग और अरहर और जायद की जो सब्जियां हैं उनका सीजन आने वाला है, जैसे इस समय धान की हम 3 किस्मों का बीज यहाँ से वितरित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध है। उसमें 1509 पूसा बासमती, 1509 पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1718, 3 प्रजातियां धान की हैं, और मूंग की प्रजाति में पूसा मूंग 1431, पूसा मूंग 1641 और पूसा विशाल, ये 3 प्रजातियां मूंग की हैं। अरहर की जो हम प्रजाति है वो पूसा अरहर 16 और 2017-4 ये प्रजातियां अरहर की हैं। बाजरा का एक हाइब्रिड है हमारा पूसा संस्थान का, पूसा बाजरा हाइब्रिड 1201 उसको हम लाए हैं। सब्जियों की भिंडी से लेके विभिन्न किस्में हैं जिनको हम इस समय सेल में कर रहे हैं। उसमें लौकी में पूसा नवीन है, तरोई में पूसा स्नेहा है, और भिंडी में A4, A5 है, इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हम बीज को इस मशीन में डालते हैं, उसको एलिवेटर के द्वारा हम ले जाते हैं प्री क्लीनर में, और जब प्री क्लीनर में ले जाते हैं उसमें काफी गंदा होता है, लेकिन जैसे ही प्री क्लीनर में जाता है इसमें सामान्यतः सफाई शुरू हो जाती है, और इसमें सूखे दाने खराब दाने मिट्टी आदि जो कण होते हैं वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं, और प्री क्लीनर से फिर ये पहुंचता है ग्रेडर में, ग्रेडर में जालियां इसको ग्रेड करती है, और उसमें जो हल्का दाना होता है या छोटा दाना होता है वो सब बाहर रह जाता है, ये देखिए बिल्कुल हल्का दाना है वो बाहर रह जाता है, और फिर ये इस तरीके का दाना अंदर आता है, और इसको फिर सेकेंड एलिवेटर के द्वारा इसको ग्रेवरी सेपरेटर में डालते हैं, कहाँ की देखिए कितना फीट तक जो इसका तैयार हो गया, इसमें जो हल्का बीज होता है वो निकल जाता है, और यहाँ जो है मूल जो बढ़िया बीज होता है वो रह जाता है, तो आप देखिए इसको एकदम फर्स्ट क्लास बीज है, और फिर इसको एक टैंक को ले जाते हैं जहाँ की ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के उपरांत ये एलिवेटर के द्वारा फिर अगले टैंक में चला जाता है, बैगिंग होती है, बैगिंग और नाप तौल जो होती है वो होती है, बैगिंग करते हैं तो उसमें हम सीड ट्रीटमेंट के लिए दवाई भी डालते हैं, ये पेविस्टिल है तो जिससे कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, तो इसमें बहुत अलग मकाने डिजीज नहीं आती, और इसमें जिस फसल का बीज होता है उसके पूरा लेखा जोखा दिया जाता है कैसे करे किसान भाई जिससे कि अधिक उपज ले सके। इस टैग में समस्त इंफॉर्मेशन होती है जो कि इसका जो फसल थी वो कौन सी थी, लाभ संख्या क्या था, संपूर्ण परसेंटेज क्या था, और वो टैग वैग देने के लिए ये देखिए सिलाई होगी।
इस बीज में किसान देखने के बाद तुरंत पहचान लेगा कि धान की प्रजाति कौन सी है, 17 धारा है, और इस प्रजाति कितना वजन है, 5 किलो है। इस समय पूसा नवीन जो हमारी प्रजाति है, जिसका की आकार जो है एक बोतल जैसा होता है और जो बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, उसका ये बीज है, प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। ये हम जो खेत से पैदा होके आया वो है, इसको हमने मशीन में डाला, ये प्रोसेस हो गया। तो देखिए कितना शुद्ध बीज है और इसमें एक भी सफेद दाना नहीं है, एक भी खाली दाना नहीं है। फसल उगाने से और काटने से लेके और बोने तक में करीब 4-5 महीने का अंतराल होता है। उस दौरान बीज को सुरक्षित ढंग से रखना बहुत ही एक अहम होता है बीज उत्पादन में। ये हमारा गोदाम है जिसकी आप देख ही रहे हैं क्षमता। इसमें हम स्टेकिंग जब करते हैं तो नीचे हवा निकलती रहे और अब हवा का आवागमन सही ढंग से होता रहे, इसलिए हम वो जो क्रेट्स लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि पूरे में सर्कुलेशन रहे। इस बार हमने धान की 10 किस्मों का बीज उत्पादन किया है। हमारा जो मेला है वो 2, 3, 4 मार्च को है और 2, 3, 4 मार्च में हमारी मेले में हम ये आशा करके चल रहे हैं कि भारी मांग को देखते हुए हमने बीज उत्पादन का सही समुचित इंतजाम भी किया है।